हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मनो के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है लैम्ब शैंक विथ राइस। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्द बन जाने वाली और बग़ैर मिर्चों वाली, बहुत आसानी के साथ हर कोई इसको बना सकता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले चूल्हे को ऑन कर लेती हूँ और साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल रही हूँ। ठीक है, बस अब ये गरम होता है तो मैं इसमें, ये गरम मसाले हैं, सिर्फ 3 हैं, ज़्यादा भी नहीं है। ये तेज़पत्ता है, 1 डाल दिया मैंने। ये गुले बादियान है, ये भी 1 डाल दिया। और एक ये छोटा सा दालचीनी का पीस है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। बस ये थोड़ा सा कड़कड़ा ले, अच्छी तरीके से तेल में तल जाए, तो फिर हम इसमें ये अदरक लहसुन डाल देंगे। ठीक है ना, चलो बस ये हो गया। ये अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 टीस्पून है, क्योंकि हमारे पास जो गोश्त है ये भी बहुत थोड़ा सा है, तो इस वजह से अदरक लहसुन भी 2 टेबल स्पून ही इस्तेमाल कर, 2 टीस्पून इस्तेमाल कर। ठीक है, चलिए जी, ये अदरक लहसुन बचा हुआ भी मैंने इसमें डाल दिया है। चलो बस अब ये दोनों जो लैम्ब शैंक है, ये तकरीबन 400 ग्राम्स मैंने लिया है, तो बस इसको इस वाले अदरक लहसुन और तेल में अच्छी तरीके से तल लेती हूँ मैं। अच्छी तरीके से सारी तरफ से इसको कोर लें अच्छी तरीके से। चलिए अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रहा है मैंने, क्योंकि यही नमक हमारा चावलों में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसको चख लीजिएगा, इस वक्त हम पानी वानी डाल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये गोश्त इसका गल जाए। आप चाहें तो ये सारा प्रोसीजर जो है प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसको मैं देखती हूँ, 40 से 45 मिनट 50 मिनट में ये गल जाएगा। जी व्यूअर्स, हमारे तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और ये भी तकरीबन, इसे चेक कर लेते हैं कि ये गला या नहीं गला, ये हो गया है। ठीक है, बस ये हमारा गल चुका है, अब मैं इसको निकाल कर साइड पर रख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इसी पानी में चावल बनाने हैं। चल, ये भी हो गया, इसको भी मैं निकाल कर साइड पर रख लूँ। चले, अब ये पानी जो है हमारा कम हो गया। ठीक है, और हमारे चावल 2 गिलास हैं, तो पानी हमारा 1 गिलास चावल है, तो 2 गिलास पानी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 गिलास पानी रह गया है और 1 गिलास मैं और डाल रही हूँ, तो इस तरीके से ये टोटल 2 गिलास पानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। यहाँ पर आप लोग चख लीजिएगा कि अगर आपको कम खाना है या ज़्यादा खाना है। ठीक है, बस ये, बस इसमें हम एक उबाल आने देंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर हम ये चावल जो हमने रखे हुए हैं, पहले से उबाल के रखे हुए हैं, 1 गिलास है, वो इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, ये 1 कप चावल हैं जो मैंने इस पानी में डाल दिया। ठीक है, चलो इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। चलो क्या हमारा, इसको मैं पानी में मिक्स करके फिर इसको मैं कवर कर देती हूँ, ताकि जो है ये पक सके। 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा टाइम जो है अब आ गया है कि इसे चेक कर लेते हैं। और ये जो गोश्त है ये मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि जो है ये भी थोड़ा सा चावलों के साथ पक सके। ठीक है, बस ये अब हम इसको फिर थोड़ी सी देख लें, कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जी, 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि पानी हमारा चावलों का पूरा खुशक हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा चला भी लेती हूँ और साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेती हूँ चावलों को, क्या आया कि कच्चे तो नहीं है, थोड़ी सी इसमें कसक है, देख सकते हैं। और लेकिन आप देख रहे हैं कि पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है चावलों में, अगर हम इस सिचुएशन में ढक्कन ढकते हैं तो ये जल जाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि फिर उसकी स्टीम में चावल गल सके। ठीक है, तो 1/4 कप के करीब हम पानी इसमें डाल रहे हैं ताकि जो है चावल गल सकें, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। चलें जी, 5 से 10 मिनट हमारे गुजर गए हैं और अब ये तैयार हो गया है, चावल चेक कर लेते हैं। जी, ये बिल्कुल ही गल गया है, बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व है। बस अब मैं इसको सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार
और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि उनकी कोई मिर्च भी नहीं लगनी कि खाते में जो बच्चे बहाने कर रहे होते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। और बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त गला हुआ है ये, तो उसमें खाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, बस ये हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर से मैं ये फ्राइड अनियन है ये मैं डाल रही हूँ ताकि डेकोरेट भी हो सके और मज़ा भी अच्छा हो सके। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और एक चटनी जो मैंने आपको बताई हुई है उसके साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन पहुंच सके।